वन सिरेरा। अबे मेरे साथ खिंचवा लो, मेरे साथ चलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? ऑल गुड। अब देखो मैं तुम्हें ना व्लॉगर्स की साइकी बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा ध्यान सुनना। सबसे पहले हम व्लॉग के लिए सोचते हैं, बेशक उसमें डिफरेंस कुछ नहीं है कि डेली व्लॉगर हो कोई या लाइफस्टाइल व्लॉगर हो, फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले व्लॉगर ढूंढते हैं कि आज दिल्ली में कोई इवेंट है कि नहीं। इवेंट मतलब कुछ भी ऐसा, जैसे पहले मैं डॉग शोज वगैरह जाता था और पहले बहुत सारे ऐसे इवेंट वगैरह मैं कवर करते रहता था मेन चैनल पे ना। आज बेसिकली पहले तो मेरा प्लान था कि मैं जाऊंगा ओमनी की मेरी टेल लाइट्स का पता लगाने क्या, मैंने ऑर्डर दे रखा है टू ब्रदर्स को, तुम जानते ही हो, जो कस्टम लाइट्स बनाते हैं। भाई खबर आ चुकी है कि लाइट्स अपनी तैयार हो गई है, पर एक साइड, दोनों साइड की नहीं हुई है, पर हाँ डिजाइन शायद से रेडी हो चुका है। तो अब मैंने सोचा कि चलो यार, अब ये जो बात है, ये वाली चीज तो मैं कभी भी दिखा सकता हूँ। तुम समझना व्लॉगर साहब की, आज एलवी शादो का मीटअप है तो क्यों ना अपन मीटअप पे जाए या ना जाए, मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि यार कुणाल भाई जस्ट आने वाले हैं, उनके लिए वेट कर रहे हैं हम, जस्ट यहीं पे है। दिख गया मुझे इंसान, आज ज्यादा लेट नहीं किया तो वो इंसान, वो बड़ा फैन है यार, वो इंसान तब से मुझे बोल रहे हैं चल रहे हैं। ठीक है, कुणाल भाई बोल रहे हैं, देखते हैं। थोड़ा बहुत अपन तुम लोगों को मामला दिखा सकते हैं ना, कैसे कैसे क्या सीन है, क्या सिस्टम हैंग हुआ है नहीं हुआ। और हेडलाइट तो टेल लाइट बेसिकली बाद में तुम लोगों को खोलो टेल लाइट बेसिकली बाद में तुम लोगों को कभी भी, अबे खोलो टेल लाइट तुम लोगों को बाद में कभी भी दिखा सकते हैं ना। तो मैं जस्ट अपने ऑडियंस को ये बोल रहा था कि भाई कुणाल भाई ने मुझे परेशान कर दिया सुबह से बोल के कि यार एलवी शादो का मीटअप है, भाई मुझे मीटअप पे ले चल, क्या सीन है। कुणाल भाई पहले तो सोच रहे कौन एलवी शादो, बिग बॉस वाला क्या? अच्छा, मैं फैन हूं उसका, वो मुझे तो आज भाई क्यों परेशान कर रखा है आपने, मुझे बताओ, मजा मत चलती रहेगी। मैंने क्या परेशान किया भाई, क्यों जा रहा है आपको मीटअप में? आपने मुझे रोहिणी वाले मीटअप भी परेशान कर दिया बोल के कि भाई रोहिणी वाले मीटअप पे ले चल, मैं अकेले भीड़ में अच्छा ही लूंगा, तू चलेगा तो थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ चलो, अपने आसपास भी कुछ बंदे आएंगे ना मिलने तो थोड़ा सही रहेगा। तो आज भी आपने परेशान कर दिया, गुड़गांव के मीटअप चलना है, ऐसा क्यों? मीटअप है क्या? कैमरे के सामने गाइस तुम जानते हो थोड़ा सा राव साहब बनना पड़ता है। मेरी गुजारिश है ये अरविंद भैया से, अरविंद भैया इन्होंने चिप से बहुत छेड़छाड़ कर दिया कि इनको एलर्जिक सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है? कौन है? तो वही तो बोल रहा हूँ, पता नहीं ना आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, आपने वो डील नहीं देखी, सबके लिंगों में मैंने चिप छुपा रखी है, जो जो हस्त मैथुन करेगा मेरे को सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। मैं अरविंद भैया, मैं तो बस खुजला रहा था आपको, यही नोटिफिकेशन जा रही है, ठीक है? और कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ इतने बच्चों भाई उस रील के कमेंट्स में बोल रहे हैं कि अरविंद भैया हम गंदी चीज देख के क्या हंसना तुम करे, मैं तो आपको ही देख के मैं यार भाई क्या चल रहा है। तुम्हें पता क्या करते हैं अरविंद भैया की एक रील देखी थी मैंने, उसमें क्या कर रहे थे बच्चों को कैसे समझाते हैं ऐसे कि गाना चल रहा है ना, हाँ। देख कैसे नहीं हनुमान जी तो हाँ। हिम्मत रखो हाँ। बजरंग दल। मुझे इतनी हंसी आती थी कि भाई अरविंद भैया प्लीज प्लीज हमें थोड़ा छूट डिस्काउंट दें, थोड़ी वीक चिप लगाए हमारी लिंगों में, क्योंकि हमारा तो ना भी मास्टर बेटर है। हमसे तो उम्मीद ना रखें इन चीज़ों की, हमने तो अपने चैनल का नाम ही इसलिए रखा था क्योंकि नहीं थे हम। कुणाल भाई बताया नहीं आपने यार कि यार मीटअप पे जा रहे, तो आपको थोड़ा थैंक यू बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि भाई मैं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ ना यार, मैं तो भीड़ में खड़े हूँ नहीं अब, तो आपने बोला इसलिए हम जा रहे हैं, है ना? वरना मेरा क्या मन यार, मैं तो फुकरा इंसान सपोर्टर हूँ भाई, जस्टिस फॉर फुकरा इंसान। एक मीर गर्ल का एपिसोड आया ना, जस्टिस फॉर अभिषेक, भाई बंदों के कुछ बंदों का आया कि उनको लगा कि शायद से मैं जस्टिस फॉर अभिषेक मलान की बात कर रहा हूँ, फुकरा इंसान, ठीक है? तो इस तरह ये तो अलग बात है, पर भाई मैंने बताया तो सिंपल चीज, ठीक है? मैंने बताया ना कि बीइंग अ ब्लॉगर हमें क्या होता है कि भाई कोई, भाई थोड़ा सा नीचे रखो एंगल, हल्का ऐसे, थोड़ा सा ऐसे करो, ऐसे बस आना चाहिए ना थोड़ा, भाई सब टाइप बन रही बन रही क्यों गाइस? मेन क्या है कि यार देखो वही वाली बात है कि भाई हेडलाइट्स टेल लाइट्स वगैरह हम तो कल भी जा सकते हैं ओपनिंग के लिए बात करने, परसों जा सकते हैं, पर आज अगर इवेंट है ऐसा कुछ तो क्यों ना चक्कर मारी आते, क्योंकि रोहिणी वाले वक्त पे भी मैं नहीं जा पाया, तो मुझे पता था कि रोहिणी में तो कुछ ज्यादा ही खचपच होगा, क्योंकि रोहिणी में एडवेंचर एंड के उधर तुम कर रहे हो मीटअप, तो भाई वो तो नहीं हो पाया। लेकिन एक बार अब सपोर्ट तो मैंने भी किया था, सपोर्ट आपने भी किया, तो इस चीज को हम जस्ट जितना भी कर ले, अब मूड बन गया है जाने का तो जा रहे हैं बस, है ना? अब यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा मेरी तरफ से कि भाई हम भी तो यूट्यूबर हैं, हम क्यों जाए दूसरे को मीटअप, तो हमको स्पेशल नहीं बुलाया गया। वैसे मैं तो स्पेशल इनविटेशन का वेट कर रहा था, पर मुझे लगता है कि एलवी शादव थोड़ा छोटा यूट्यूबर है मेरे मामले में, इसलिए शायद उसने मुझे समझा नहीं होगा कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ ना गाइस, है ना? थैंक यू गाइस। ये देखो तुम, ये अपनी एंट्री यहाँ से, एंड पुलिस वाले भी प्रॉपर खड़े हैं भाई यहाँ, तो यार बहुत बढ़िया है, देख लो अपने छोरे का पोस्टर भाई,
एनसीआर वाले अरे बेहतरीन सिस्टम। कौन सा गेट है ये? जितना मैंने स्टोरीज में देखा था भाई गेट नंबर एक से था। और वैसे ही पार्किंग तो कहीं और ही करनी है, पार्क उधर करनी होगी। पार्किंग वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इधर इधर गई उधर पार्क करनी है। उधर से पैदल आने का सीन था भाई। हो गया मीटअप? हो गया नहीं अभी आ ही रहे हैं। अब देखो बात क्या है कि यार पार्किंग ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है तो वो पीछे है लोकेशन ना, पीछे क्या जाना सोचो इधर कहीं घुसा दूँ तो इधर भी देखता हूँ बंदों ने पार्क कर रखा है जिनको मीटअप पे जाना है। देख लो यार पोस्टर लगा पड़ा है, आगे भी पोस्टर है, तो सोचते हैं जरा आगे की ओर लगाते हैं ठस में। तो गेट पे ही अपने को ये कुछ छोटे छोटे भाई मिले हैं। हाँ क्या सीन चल रहा है? सिस्टम हैंग है, सिस्टम पूरा हैंग है, अंदर सीएम साहब आ चुके हैं। अच्छा और यदुवंशी भाई हमारे साथ आ रहे हैं। तो मैं क्या समझूं सीएम आते तुम बाहर जा रहे हो? मतलब जितना सीएम सीएम से उतना मोह नहीं है जितना एल्विस भाई से। अरे भाई एल्विस भाई का टोरा लगा यार, चलो ठीक है। लेकिन तुम एक यही बोल रहे हो कि अंदर तक पहुंच नहीं पाऊंगा मैं, कितनी भीड़ है। अब तो नहीं अच्छा, अच्छा पहले आना चाहिए था उसके लिए। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा रात से बैठे देख रहे हो सिस्टम हैंग पैंग। भाई मंत्री के पास है, एमपी सबके पास है, जाने नहीं दे रहे अंदर भाई। और तुम्हारे पास वीआईपी पास भी है? हाँ। मतलब वीआईपी पास नाम की चीज भी है अंदर कोई ऐसी? अच्छा दादा का पास है मेरे पे, दादा तो एमपी है। और बताओ। अच्छा जी मतलब इतना सिस्टम हैंग है? हाँ सिस्टम हैंग है भाई, जाने नहीं दे रहे। सारे साथ में कर दो कैसे? क्या बोल रहे हो? मेरे को तो आप ही अच्छे लगते हो बस भाई, क्योंकि सामने अपने यूके जनरेशन भाई काफी लगा रहे हैं तो भाई ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिया। थैंक यू भाई, पर वो भाई है। दिल से भैया को पसंद करता हूँ। एल्विस यादव के पास गया, चोट और लग गई मेरे पैर में, उनको कुछ नहीं पता, फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत नहीं, सबको सपोर्ट है। अब भाई हमें कोई खुफिया रास्ते से ले आ रहे हैं भाई, कहाँ ले आ रहे हो बताओ? भाई बस अंदर चल रहे हैं। ये अपने सूर्यकांत भाई है, बढ़िया बातचीत है भाई की भी, तुम देख सकते हो है? हम भाई के साथ घूम रहे हो तो ना हम वीआईपी एंट्री करने वाले हैं अभी। भाई मेरे पीछे वो भीड़ देख रहे हो जाती हुई, ये प्रिंस वर्मा करके भाई आए थे अपनी पॉश लेके। भाई ने बढ़िया सिस्टम ठा रखा है, बॉक्स चली एक दो दिन पहले लिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, एंड अपने तो चाने वाले बहुत मिल रहे, तुम जानते ही हो। क्यों नहीं क्यों नहीं। अभी हम क्या है थोड़ा भीड़ की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा दिखाने के लिए कि यार कैसा क्या हाई पा रखा है मैटर। भाई मुझे बता रहे हैं कि यार डीजी का एकदम लास्ट परफॉर्मेंस है जो चल रहा है अभी। बिल्कुल परफॉर्मेंस लास्ट है भाई, अब इसके बाद कुछ ना है। पैरा की लग रही है, पैरा में चल रहा है। पैरा और पैरा डीजी सारे इकट्ठे चढ़े पड़े हैं। हां कोई शेड्यूल तो है नहीं। अच्छा तो ज्यादातर जो भी सिंगर्स या प्रिंस नरूला वरूला सब जा चुके हैं, अपना करके जा चुके हैं। मुझे लग रहा है भाई पैराडॉक्स पैराडॉक्स भी रह रहे हैं अगली बार ना। पैराडॉक्स चल रहा है, पैराडॉक्स चल रहा है। सुनेगा भाई मैं वो बोल रहा हूं, अगली बार बैक स्टेज का सिस्टम बिठाना पड़ेगा भाई। अगली बार ये भीड़ में ये तो थोड़ा सीएम की जैसे प्रोटोकॉल की जैसे भाई हम फट गए नहीं तो हम भी बैक स्टेज पे बैठे होते कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर तो मैं देखता हूँ हर किसी को बैक स्टेज पे बैठने का मन कर रहा है कि भीड़ में कौन रहे। आओ पानी भी नहीं मिल रहा, दिखाते हैं पानी का मैटर सिस्टम है भाई। ये देखो ये है मीटअप का सिस्टम, देख रहे हो? अरे वाह भाई, अब भाई भीड़ में अंदर क्या चलना है, देख के आते हैं। आओ देख के आते हैं फिर, चलो तगड़ा मैटर आ रहा है भीड़ का। एंड अकबर तो बताओ भाई, मैं तो बाबा जानी भाई नहीं अपने, उनसे मैंने बात कही थी, वो तो मुझे बोल रहे थे भाई आप आ गए चलो ठीक है, लेकिन आपको तीन चार दिन में स्पेशल मीटिंग भी करा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मन किया मूड किया आने का तो आ गया मैं देखने कि क्या सिस्टम है भाई का। सिस्टम तो तगड़ा ही लग रहा है भाई। भाई मेन पता मैटर का, ये इतनी खुली जगह ना यहाँ पे फिर भी लग रहा है कम लग रही है भीड़, बहुत कम लग रही है। अब देखो तुम वो तुम्हें छोटा सा पैरा दिख जाएगा वहां बना नहीं, और बड़े भाई कोई बेइज्जती थोड़ा भाई अपना पैरा भी, और वहां पे वो बड़े से एल्विस भाई लंबे से अपने एक खड़ा है पूरा खंबा, दूसरा खड़ा बोलना ना ना मैंने नहीं बोला मैं चौड़ का मार देगा भाई। अरे भाई अब चलाना मैटर, कौन सा चल रहा है एक तरीके से। अरे मेरे साथ वाला, हाँ मैं सोचू मेरे साथ वाले को कितने पकड़ लिया कुणाल भाई, भाई सबके पीछे रह गया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कितना गाते थे, यहाँ पे कितने गाते थे भाई, तो हंसा आया था ना इतना गाते थे गाना, मैं तुषार मिलके
पैरों को तो फुल सपोर्ट किया भाई। वक्त वक्त की बात है, आज हम यहाँ कल हम वहां भी होंगे। सारे हो जाए साथ में। भाई उधर अलग इवेंट चल रहा है, हमारा अलग चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? बेहतरीन सिस्टम है भाई, सिस्टम है भाई, सिस्टम फुल गलत। आगे चलो फुल गलत। अरे नीचे का एवरीबॉडी बहुत ही अच्छी होगी भाई। क्या पार देंगे? ये आपने बनाया? ये नहीं जी, बाड़क ने बनाया, वो जा रहा है अभी, आ रहा है। अच्छा बहुत अच्छी बनी है। अरे आजा छोटे, इस छोटे ने बनाया? अच्छा उसने। क्या नाम है भाई? बड़ा अच्छा। जयनाथ, जयनाथ भाई। अच्छा भाई आजा भाई। जयनाथ वेरी नाइस पेंटिंग, गुड। आजा 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 इधर आ जा, आजा। मुझे इसमें सौरभ जोशी व्लॉग नजर आ रहा है, आर्टिस्ट फुल। सलाम उन लोगों को जो जेड ब्लैक शीशो में गाड़ी चला रहे हैं यार, मतलब भाई मुझसे तो चलाई जाती, तुम लोग क्या चलाते हो भाई? फुल गलत सिस्टम है ये तो। सलाम है उन भाइयों को जो फोटो खिंचवा रहे हैं। हम द्वारका मिलेंगे मीर भाई। सलाम है उन भाइयों को जो हाथ मिला रहे हैं। खिंचवा लो, 100 रुपए फोटो है, 100 रुपए पर पर्सन फोटो खिंचाओ, 100 रुपए पर पर्सन, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए फोटो खिंचाओ, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए फोटो खिंचाओ। भाइयों को जो फोटो खिंचवा रहे हैं 100 रुपए की। ओके भाई, सलाम है उन भाइयों को जो फोटो खिंचवा रहे हैं। अब मेरे साथ खिंचवा लो, मेरे साथ। निकल गए हैं भाई के मीटअप से, पर ऐसा लग रहा था अपना मीटअप है कुणाल भाई। मतलब इतने बंदों ने यार मिले, इतना प्यार से मिले, अच्छा लगा देख के यार। मतलब मुझे अपना मीटअप याद आ गया जो मैंने 50,000 सब्सक्राइबर में किया था। मतलब लिटरली यार जो 50,000 में मीटअप किया था वो भी तगड़ा था, पर भाई यहाँ तो एक बोल सकते हैं अनऑफिशियल मीटअप वैसा ही हो गया। पर भाई देख के शौक हो गया अब यार कि भाई इतनी जनता फुल ऑन यार, या क्या बोलते अपने को आ जाता स्टार्टिंग से ही ना इतने कहाँ भाई, तो बहुत तगड़ा क्रेज हो गया। ये कौन जा रहा है? लड़कियों को कर रहे हैं ऐसे? समझ में नहीं आ रहा सिस्टम, आर्मी का पता नहीं यार क्या किसके लिए वोट कर रहे हैं। इधर से पता मिले, पर उधर से लड़की बड़ा देख रही है मुड़ मुड़ के यार। जानती है तो उसको बिठा ले क्या? बिठा ले क्या? अरे कई दिक्कत में हो, कई कुछ मिलने का हो व्हीकल, पूछो शीशा डाउन करो। अरे शीशा डाउन तो करो, जैसे गवर्नमेंट पास कर रहे हैं भाई, पता नहीं अगर परेशान कर रहे तो वो गलत बात है। पुलिस वाले भी तो खड़े हैं उधर। कोई नहीं यार, होप सब कुछ मतलब ठीक ही हो, ऐसी कोई बदतमीजी ना हो रही हो। बस मैं तो ये चाह रहा हूँ पुलिस वगैरह गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए हम लोग क्या? ना कोई नहीं, दिल्ली जाने का ही दिखा हुआ था इधर भी। पर भाई लिटरली काफी अच्छा लगा एंड मोटिवेशन मिली कि भाई मीटअप, इसलिए मैं ना मीटअप इतना करता नहीं हूँ ठीक है, क्योंकि मीटअप जब करेंगे ना तो एक होता है ना कि पता होना चाहिए कि हाँ 1,000-2,000 तो कम से कम बंदे आने चाहिए तभी। जैसे ऐसा मीटअप है ना सिस्टम हैंग वाला मीटअप, ऐसे मीटअप पसंद है मुझे भी ना, करने में भी मजा आता है और ऐसे मीटअप में ऑडियंस को मुझे लगता है जाने में मजा आता है। यहाँ पे स्टेडियम वगैरह बुक हो, यहाँ पे लोगों को पता है कि हाँ फैन फॉलोइंग इतनी है कि बढ़िया आ जाएंगे। 100-200 बंदों के लिए मीटअप मुझे लगता है उससे ज्यादा तो हम जब निकलते हैं ऐसे
तभी मिल जाते हैं। और अपने को तो भाई स्टार्टिंग से ही यार कुणाल भाई आपको भी कितना मेटर वेटर बंदे मिलते रहे हैं ऐसे हा? तो ये प्यार है तुम लोगों का यार। हाँ मेरे को तो अभी भी मिल जाते हैं। अरे वाह, अरे वाह भाई, थोड़े इंट्रोवर्ट्स हैं इसलिए ना बातें उतने अच्छे से बोल नहीं पाता। अभी बुलवाना पड़ा मुझे एक बात है ना, 1-0 हो गया इधर पॉइंट के मामले में। बहुत सही, चलो रास्ता तो ठीक ही लग रहा है। सही है, हाँ यहाँ से निकलते हैं। एंड सच में बहुत मजा आ गया भाई, एंड मैं तो खुद एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल भाई, मैं खुद एक्साइटेड हूँ। कल व्लॉग भी देखूंगा कि भाई भाई के व्लॉग में ऐसा क्या, मतलब कौन कौन बंदे आए थे कि मुझे पता तो नहीं लग पाया। मेन बात तो मैं बोलूंगा थैंक्स यार सूर्यकांत भाई को भी, क्योंकि जो भाई अपने को मिले थे उन्होंने काफी हेल्प करी अपनी जगह जगह ले जाने में। एंड बहुत ज्यादा जनता जो आ जा रही थी, तुम लोगों का प्यार है वो तो चलो अलग बात है, लेकिन बहुत इकट्ठे लोग आ रहे थे। इनको मुझे लग रहा था उनमें से कुछ ये भी थे जिनको पता लग रहा था कि अच्छा इसको कोई देखा है, ऐसे वक्त पे नाम नहीं आता, इसको कोई देखा है देखा है, ऐसे सिर्फ फोटो खींचा चला रहे। तो बस होता ना कि भाइयों ने काफी हेल्प जो साथ में थे कि हाँ साथ में ले गए, एंड उनके बिना मुझे लगता कि हम इस तरीके से मतलब लोगों के बीच रह पाते हैं। कुणाल भाई हम दोनों थोड़े से हैं भागने वाले हैं थोड़े से, देखते ना भीड़ भीड़ आ रही है, ठीक है मिलके चलो चलो चलो। तो ठीक है, थैंक यू सबको, थैंक यू सबको जो मिले उनको भी थैंक यू, और जो अंदर भाई लोग मिलते हैं उनको भी थैंक यू। चलो यार अब वक्त है जिम जाने का, टाइम 10:30 देख रहे हो, काफ़ी लेट, लेकिन लेट जिम जाने का ही मज़ा है। चलो मम्मी चलता हूँ मैं जिम, ठीक है मम्मी को जिम जा रहा है। अरे आज याद के मज़ा है, मम्मी को मैंने आते ही बताया था मम्मी मैं गया था किसी और के मीटअप पे, पर हो गया अपना मीटअप, छोटा सा मीटअप सही लेकिन मजा आया, काफी सही था। मम्मी तुझे खुशी हुई थी वैसे जब अपने राव साहब जीते थे, गुड़गांव के राव साहब? हाँ कौन राव साहब? अरे एलवी जब जीता था बिग बॉस, खुशी हुई थी? अच्छा लगा था तो एक तरीके से छोटा मोटा। हम उसको उतना नहीं जानते थे, हम जो शुरू से उसमें गया है उसको ज्यादा वो जानते। कौन? मनीषा को जानते। मनीषा एक कमेंट भी आया था कि मम्मी तो मनीषा को ही सपोर्ट कर रही होगी, मैंने रिप्लाई तो नहीं किया पर अभी करता हूँ कि हाँ तुमने सही बोले, मम्मी मनीषा को ही सपोर्ट कर रही थी। एंड ये देख रहे हो इनकी बदमाशी, देख रहे हो किस तरीके से लगे रहते हैं। अच्छा मुझे बताना ये नॉर्मल बात है क्या है? जैसे मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है जब जिम में कम लोग होते हैं ना, तो मैं खुश होता हूँ कि हाँ चलो ठीक है। ऐसा नहीं है कि मशीन के पास जा रहा हूँ तो मशीन बिजी है तो मुझे अच्छा लगता है, तो मशीन पर कोई नहीं होता लोग कम है, ऐसा नहीं। मतलब इन जनरली अपने को पसंद ही है कि हाँ जिम में जब लोग कम होते हैं बढ़िया सुकून से जिम करो, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई सफोकेशन नहीं होती। तो आज संडे है, आज तो पूरा जिम खाली है। मैं खुद बताऊँ ना, मैंने अपने ट्रेनर से पूछा तो बोलते भाई आज तो संडे, संडे तो बहुत कम ही लोग आते हैं। मैं बढ़िया है फिर तो यार, अपन ने इस हफ्ते भी थोड़ी सी एक या दो छुट्टी तो ली थी, तो सही संडे आगे कवर अप कर लेना। आज बोल तो रहे हैं लेग डे, मैंने मना किया कि नहीं यार लेग डे तो नहीं सर, पर फिर भी बोल रहे हैं कि यार कर लो लेग डे। मैंने बोला कि सर मेरे टांगे तो मजबूत ही हैं, क्या चाहिए? तो बोलते वो तो हमने देख लिया था एक दिन, पहले दिन ना इन्होंने स्क्वाट्स और कराए थे। चलो एक काम करते हैं, कार्डियो अपना थोड़ा अच्छे से करते हैं। चलो यार जिम वगैरह सब हो गया, एंड लेग डे के बाद एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, हाँ यार पेन तो काफ़ी रहता है। जो तुमने दो मशीन दिखाई फोटो खड़ी साथ में स्क्वाट्स और एक वो होता है ना, तुम लोग अगर जिम जाते हो मेरी तरह अच्छे बच्चे हो तो तुम्हें पता होगा ऐसे वाला है ना, पूरा जो बेंड करते हैं वो भी किया। तो टोटल 4 एक्सरसाइज थी, थक गए हैं, खाना ना खाएंगे बढ़िया से। व्लॉग ये पे एंड करते हैं हम, एंड बहुत अच्छा लगा यार जितने भी लोग सिस्टम के सपोर्ट पे आए थे एंड हमसे मिले, एक बहुत अच्छी फीलिंग आई कि हाँ यार चलो जैसे हम जो कर रहे हैं मेहनत करते रहेंगे, तुम लोग बस ऐसे सपोर्ट दिखाते रहो और क्या चाहिए हो। मैं ना यार मेरिकल चैनल पर सपोर्ट दिखा रहे हो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ यार उधर भी पर व्लॉग चैनल पर थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट है ना। अपन ने दो दो ब्रांचेस कर दिए अपनी, तो सपोर्ट तो मैं दोनों जगह दिखा रहा है, जहाँ मैं देखूँ वहाँ सपोर्ट मैं तो बोलता हूँ। चाहे वो किसी और के चैनल वीडियो आए तो मैं वहाँ भी सपोर्ट दिखा रहा है, अपने भाई को देखना है ठीक है। बाकी शायद से कल मैं जो अपना स्कॉर्पियो वाला कार्ड नहीं था जस्टिस और अभिषेक, उसके लिए शायद से हम सेकेंड वीडियो बनाए, क्योंकि लोगों की बहुत डाउट आ रही थी एंड तुम लोगों को जानना भी था बेसिकली कि भाई कैसा क्या अपडेट है। जो मैंने मिहिर गिल चैनल पर डाला था जस्टिस और अभिषेक, जितने लोगों ने इंस्टाग्राम में फॉलो कर रखा तुम लोगों को तो पता ही होगा साथ साथ। तो कल का सीन तुम्हें कल दिखाते हैं ठीक है। चलो फाइनली तुमसे अलविदा लेते हैं, तुम लोग भी अपना खाना ना खा, तुमने खाना तो खा लिया होगा है ना, खाना है रात का भाई का व्लॉग देखते हुए ठीक है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा व्लॉग अपना कभी 8 कभी 8:30 कभी 9-10 बज जाते हैं, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, लेकिन ठीक है तुम लोगों के लिए डेली व्लॉग डालते हैं ठीक है, एंटरटेनमेंट लेके आते हैं। चलो खत्म करते हैं व्लॉग को, मैं वहाँ से बोलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
साइनिंग आउट 30 मिनट्स गैंग को डबल एफ जियो। और हाँ, क्या बोलती मास्टर, कंप्लीट करो स्टेटमेंट कमेंट्स में, कंप्लीट करो, क्या बोलती मास्टर, बोले तो